वो टिंचू टावर है ना, 45 मंजिल की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। भी है से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सेक्रेटरी के अलावा कुछ और भी हो क्या? हाँ पति। किसका? मोहनी का। मोहनी मैडम, नाम से ही लगता है कि ये एकदम झटक झटक जाए जाए आइटम है। मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम। yes! मैं तो मोनी का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था ना। ना धर्मवीर की जोड़ी विदाउट स्कर्ट। कौन हो रही हो मोनी? बीवी है। किसकी है? अरे मेरी है मोहिनी, मेरी बीवी है ना श्याम कुमार? हाँ बीवी तो तुम्हारी ही है। मैडम मैं, मेरी बीवी मोहिनी और मेरा दोस्त लिफ्ट से जा रहे थे तो 10वें माले पे शर्मा जी चढ़े, 12वें पे वर्मा जी चढ़े, 15वें पे नीतू नाजुक चढ़े और 17वें पे बसिन साहब चढ़े और 19वें पे ना जिमी जिम वाला चढ़ा और 25वें पे तो कोई और चढ़ गया। जी नहीं, वहां पर लिफ्ट बंद हो गई थी, लाइट चली गई थी और लिफ्ट में अंधेरा था, है ना राम कुमार? हाँ श्याम कुमार। और उसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरी मोहनी को किसी ने कौन नहीं मारी। मैडम आप ही बताइए ये कोई तरीका है? मैडम मैं चाहता हूँ, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि मोहनी को कौन ही किसने मारी उसे आप ढूंढिए। भैया ऐसा ही हो तो घनी जो है सरासर लफंठरगिरी हो रही है दिन दहाड़े इप्टी जिंग। मोहनी ने बुलवाओ। भाभी यहाँ नहीं आएगी बस। ओ भाभी के देवर, न ज्यादा भाभी का फेवर ना ले, वरना जो मैंने अपने तेवर दिखा दिए ना तो थारा दी एंड फॉरएवर हो जाएगा। नहीं नहीं श्याम कुमार बिल्कुल सही कह रहा है। हाय हाय कि भाभी माने मेरी मोहनी यहाँ पे नहीं आएगी। एक काम कीजिए ना मैडम, विदाउट मोहिनी यहाँ पे आए कुछ रास्ता निकल सकता है? अरे यार ना बेटा गुलगुले इस सिचुएशन। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अरबट्टा खरबट्टा कभी सिल कभी बट्टा आइडिया आ रहा है। जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए। मैडम आइडिया ये है कि सबसे पहले हमें इन सारे लोगों को बुलाना चाहिए जो उस दिन लिफ्ट में थे, फिर हम करेंगे यहाँ पर डेमो और चेक करेंगे कि उस रात हुआ क्या था। पीछे हटो। अरे पीछे हटो यार। अरे पीछे हटो। अरे भाई हमें क्यों यहाँ बुला लिया है खामोखा? अरे भाई आज तक मैंने बबलू की मम्मी को कोहनी नहीं मारी तो राम कुमार की बीवी को क्या मारूंगा? ओ बबलू की मम्मी इज माय वाइफ। और बबलू के डैडी? अरे मैं खोद हूँ यार, मुझे जाने दो, मुझे जिम खोलना है। अरे हाँ ठीक है ना, रुको जरा। ज्यादा जो है ना जबान कतई ना खोल, ना वरना तन्ने खोल दूंगी मैं। जिम खोलेगा यो। हाँ भाई हमें तो यहाँ बुला लिया है लेकिन राम कुमार कहाँ है भाई? ना सर ना, हमने सोचा कि एक जेंट्स को देख के कोहनी मारने की फीलिंग तो आएगी ना तुम सब में, तो ना हमने राम कुमार को लेडीज गेटअप मतलब बिल्कुल मोहिनी टाइप का गेटअप दिया है ताकि थोड़ी कोहनी मारने की फीलिंग आए। पुलिस इज कोऑपरेटिव। ओके हाँ भाई, आओ राम कुमार, आओ भाई आओ। अरे आओ भाभी। अरे मैं राम कुमार हूँ। अरे राम कुमार क्या कर रहे हो यार? मैडम अब अगर आपका वो आदेश तो डेमो का करें श्री गणेश। भाई बेटा गोपी। हाँ भाई बता क्या करना है। हाँ जी जी मम्मी जी, देखो भाई तुम लोग समझ लो यहाँ एक लिफ्ट है जिसमें तुम बारी बारी अपने अपने फ्लोर से चढ़ोगे, जिसमें ये मोना मतलब मोनी भी होगी। और फिर जो है चौकी की बच्ची जो की ना लेट ऑफ कर देगी, और जैसे कि उस रात को मोनी को कोनी लगी थी वैसे ही इसे भी लग जाएगी कोनी, और जो 1% इसे कोनी ना मारेगी तो भी हमारे हाथों से ना वो आदमी बच के जा ना पाएगा। ओके शुरू करें। नॉटी हाय हाय। तू नयो न्यूज़पेपर ठूस ले, मुंह में ठूस ले, न्यूज़ पी जा तू, और बताई राजू रिपोर्टर हो ले। अरे अरे दंडे बलन। सॉरी सॉरी मम्मी जी। नॉटी हटो। अरे हटो यार, पकड़ो पकड़ो, चलो देखो देखो। जी ये है लिफ्ट कहाँ? यहाँ। ओके रेडी बटन दो। आओ श्याम कुमार आओ।
नेक्स्ट। मेरा फ्लोर। अरे तू साइड में हो। अरे कैसी हैं भाभी जी, क्या हाल है भाई? ठीक हो? नेक्स्ट। अरे नमस्कार। कैसे हैं भाई? हाय। नेक्स्ट। नॉटी। लेडीज एंड लीडर्स। चुपचाप खड़ा रहे। नेक्स्ट। ओ क्या बात है भाभी जी, लुकिंग क्यूट टुडे। नेक्स्ट। कैसे हैं आप? बहुत खैरियत है। अरे बाहर क्यों जा रहा है? अंदर। अरे भाई कल रात 406 में से सारी रात आवाजें आती रही, हम सो नहीं पाए। किस प्रकार की आवाजें? अरे म्यूजिक की, बहुत लाउड म्यूजिक की आवाजें। और क्या आ गए 25वां। मोनी को कोनी लगी कि ना लगी? नहीं मैडम, किसी ने कोनी नहीं मारी, लेकिन इनमें से किसी ने मेरा चुंबन ले लिया। किसने? क्या मैंने लिया? नॉटी। ओहो नीतू नाजुक, ना कहीं ऐसा तो ना है कि उस रात भी तैने राम कुमार के चक्कर में ना मोनी को गलती से कोनी मार दियो? नो मैडम, मैं आग के अलावा कुछ भी नहीं मारती। मारता हूँ। भाई ऐसा है, तो मन्ने की सोलूशन दीख है ना, मोनी को ठाणे में बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, भाभी या नहीं आएगी बस। अबे तू कतई जजमेंट देने वाला डिसीजन मेकर हो रहा है ना, बीबी थारी हो रही है इसकी हो रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ मैं। हे श्याम कुमार, मोनी मेरी बीबी है ना? Well, बीवी तो वो तुम्हारी ही है। मैडम मैं क्या कहता हूँ कि बिना मोहिनी को बुलाए यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि छिया ना, तो ये भाई एक रास्ता और ये हो रहा है कि तू घर को जा ना, मोनी से कहे कि तैने ना वैसी कोनी मारे जैसी उस रात उसने लगी थी। फिर तू यहाँ आई हो, हम तमाम व्यक्तिगण से कहेंगे कि तन्ने एक एक करके जो है ना कोनी मार दे। फिर जिसकी मारी हुई कोनी ना मोनी की कोनी से मैच होगी ना भाई होगा कल्प्रिट और के। ओके क्लियर है? निकलो। अरे वाह देखो ग्राउंड फ्लोर भी आ गया है। चले हे अब हम उसे बताएंगे कि कोनी क्या होती है ना, कोनी ऐसे। उसको तो हम बताएंगे, बहुत सेक्रेटरी बन रहा था ना, अरे भिड़ गया था हमारे साथ कार पार्किंग के लिए खामखा। मेरे जी में फ्री में मेंबरशिप मांगने आया था। अरे बबलू की मम्मी छत पे पापड़ सुखा रही थी, वहाँ भी पहुँच गया था उसे सोसाइटी का कानून सिखाने। बबलू की मम्मी इज माय वाइफ। अरे हमारे घर के रिनोवेशन के वक्त भी मुझसे भिड़ गया था वो। अरे भाई हम सिर्फ खिड़की 2 इंच बड़ी करना चाहते थे। हाँ तो भाई सब लोग आ गए हैं। भाई ऐसा है कि यो तो आ गया अपने घर से मोनी से कोनी खा के ना, आप व्यक्तिगण रेडी हैं इसे कोनी मारने के लिए? Yes! Oh, no! तो चलो भाई आओ शुरू हो जाइए। Yes! कोई बात नहीं यार, तू तो समझ रहा है ना। अरे रामकुमार ये क्या मारेगा? रामकुमार क्यों भाई, कुछ जजमेंट आया? नहीं अभी तक कुछ खास जजमेंट नहीं आई। मोनी को ठाणे बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, भाभी यहाँ नहीं आएगी बस।
अबे तू कतई हो रहा, भाभी का दुलारा ना लाडला, गोदी का लल्ला हो रहा बिल्कुल ही ना। बीबी उसकी हो रही है, थारी हो रही है वो? नहीं, बीवी मेरी है, मोहिनी मेरी बीवी है ना श्याम कुमार। वेल, बीवी तो वो तुम्हारी ही है। मैडम एक काम नहीं हो सकता कि विदाउट मोहिनी, माने मोहिनी को बुलाए बिना कुछ और नहीं हो सकता, मतलब कि प्लीज यार। ना बस यही काम रह गया है हमारा। भैया ऐसा है ना, तू घर को जा और जितनी कोणियां इन सब ने तैने मारी है ना, ना इन सब की कोणी एक एक करके अपनी बीबी ने मार और उसको बोल कि वो वेरीफाई करे कि कौन सी कोणी उस दिन वाली लिफ्ट की कोणी से मैं चोरी है। ओके ओके समझ गया श्याम कुमार, ये सही है ना? आराम चलो। लेकिन श्याम कुमार मैं तो भूल ही गया कि इसमें किसकी कौन सी कोनी थी, मतलब कि शर्मा जी की कौन सी थी, वर्मा जी की कौन सी थी, ये भसिन की कौन सी थी। डोंट वरी यार, डोंट वरी, एक काम कर, अब की बार याद रखना है। कम ऑन यार, आ जाओ। यूज भी करती है चंद्रमुखी जी। चल चंद्रमुखी जी, मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहीं से आ रही थी या कहीं से जा रही थी। सर ऐसा है, मैं तो जहाँ भी आ रही थी ना जा रही थी वो बात की बात हो रही है। फिलहाल आप अपना केबिन छोड़ के ना यहाँ के कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। दरअसल बात ये है चंद्रमुखी जी कि जब से मैं यहाँ आया हूँ और खास तौर पर जब से मैंने आपको देखा है, तब से मैं एक अजीब दुविधा में फंस गया हूँ, जुम्बिश में फंस गया हूँ। हमेशा मैं हिम्मत करके, दिल बना के, हिम्मत करके मन ही मन में डिसाइड करता हूँ कि मैं आपसे कह दूंगा और मन ही मन में डिसाइड कर लेता हूँ कि नहीं कहूंगा। ना सर ऐसी के बात हो रही है ना, जो कहना है कह दीजिए। चंद्रमुखी मैं आपसे सर आई एम वेटिंग सर, आप कुछ कह रहे थे, मन्ने और भी काम हो रहे हैं सर। हाँ मैं आपसे यही कह रहा था कि आप जो वो लिबास में बहुत अच्छी लगती है, वर्दी में। ये वर्दी है, इसी में, इसलिए मैं चली गई, दूर दूर निकल गई। हे चंद्रमुखी कब तक करती रहेगी तू मुझे दुखी? आई शैल वेट, आई शैल वेट। एक्सक्यूज मी, नया लुटा पिटा सा होके कहां से आ रहा है तू? मैं घर से आ रहा हूँ मैडम, जैसे आपने कहा था ना वैसे घर जाकर मैंने मोहिनी को बहुत सारी कोहनियां मारी। अरे वो चीखी चिल्लाई और मुझे पता नहीं था कि मेरे साले यानी कि मोहिनी के भाई घर के अंदर बैठे हुए। जैसे मोहिनी की चीख सुनी ना बाहर हॉल में आए और मुझे मोहिनी को ये कोहनी मारते देखकर मुझ पर टूट पड़े। मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, मैं रात भर बेहोश रहा। अभी सुबह होश में आकर यहाँ पे आ रहा हूँ, है ना श्याम कुमार? हाँ राम कुमार। बस इव और कोई ऑप्शन ना है, न मोनी ने थाने में बुलाओ। नहीं 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 नहीं, बस भाभी यहाँ नहीं आएगी बस। अबे तेरी तू न कौन हो रही, वो थारी न कतई बिलबिला रहा तू। अरे बीबी इसकी हो रही है या थारी हो रही है? नहीं नहीं बीबी वो मेरी है, हाय है ना श्याम कुमार? वेल बीवी तो वो तुम्हारी ही है। ठीक है मैडम, आप मोहनी को यहाँ पे बुलाओ। बस ठीक सही है, मोहनी आएगी थाने में और फिर से होगा डेमो और निकलेगा सही मेमो। तो दोस्तों आज एक बार फिर होगा डेमो और इस बार मिसेस मोहनी के संग। क्या है क्या है मेरी भाई बहन? हाँ हाँ नहीं यूं ही। तो डेमो शुरू करो। एक मिनट पहले लिफ्ट चलाओ। हाँ।
फिर से ये रोज रोज लाइट जा रही है। मारी 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 किसने मारी? किसी ने मुझे कोनी मारी अभी। हाँ तो भाई मोनी स्टैंडिंग विद सूरत रोनी नूडल स्ट्रैप किसने मारी तने कोनी? मैडम इस श्याम कुमार ने मुझे अभी अंधेरा होते ठीक वैसे ही कोनी मारी थी जिस दिन उस तरह से मारी गई थी। हाँ मैडम बोनी आई मीन भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मैं कैरेक्टर वाला नहीं हूँ, आई मीन कैरेक्टर लेस नहीं हूँ, है ना राम कुमार? हाँ श्याम कुमार। मोनी इसने कोनी नहीं मारी। वाह आपका दोस्त आपकी बीवी को छेड़ रहा है और आप खामोश खड़े हैं, हैं? भाई एक मिनट बालको कि मोनी को कोनी किसने मारी ये मैं बताती हूँ। हाँ। तो भाई लिफ्ट में मोनी को जो है हाँ। किसी ने कोनी ना मारी है। भाई ऐसा है जिस लिफ्ट की यहाँ बात हो रही है ना उसका मुआयना करा है हमने, उसमें चार आदमी खड़े ना हो सकते सराफत से ना तुम हाथ ठूसे खड़े हो, पर ऐसी टेट सिचुएशन में आदमी अपना नाक खुजा ना सके और इसको किसी ने कोनी मार दी। हाँ तो भाई मिस नूडल स्ट्रैप ना मिस झूठी हिप तो अपने मुंह से सत्य उगलेगी या मैं अपने स्टाइल से उगलवाऊ? हाँ हाँ मैंने झूठ कहा था मैडम, वो भी इसलिए क्योंकि अपने नाम की तरह ना बिल्कुल सीधे हैं, ये ना तो कभी मुझे छेड़ते हैं और ना ही कभी रोमांटिक होते हैं। पता है मैडम ये अपने इस दोस्त की तरह ना पतंग की चरखी बने हुए टंगे रहते हैं। हाँ हाय हाय। एक दिन ना एक आदमी ने मुझे छेड़ा भी था लेकिन मैडम तब भी इनके अंदर का पति नहीं जागा, तो मैडम उस दिन हम सब लोग लिफ्ट में एक साथ घुसे और अचानक से बत्ती चली गई तो मैंने उसका फायदा उठाकर इनसे कहा कि किसी ने मुझे कोनी मारी क्योंकि मैडम मैं देखना चाहती थी कि आखिर करते क्या है, मुझे इनके मर्दानगी देख रही थी। बोलो ओ हाँ, साइलेंस के पुतले खामोशी के देवता ना के सुन रही हूँ मैं। यो पति होने का तैने कोई फर्ज ना निभाया है, अपनी पत्नी को ना तैने प्यार दिया है ना इसकी रक्षा करी है और ये अपने दोस्त के संग किस प्रकार की चकल्लस में लगा रहे बे तू, किस प्रकार का दोस्ताना हो रहा है? ऐसा है शादी के बाद जो है ना पत्नी असली दोस्त होया करे। ओके बस मैडम बस मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, बस प्लीज मत सुनाइए ज्यादा प्लीज। मोनी अब तुम्हें कोई कोनी मारेगा तो वो सिर्फ मैं ही मारूंगा। ले चलो बस के सॉल्व, अब तुम लोग जा सकते हो, चलो निकलो। चलो भाई चलो यार। इसने मुझे कोनी मारी अभी। मारो मारो। भाई येट अनदर के शोल्ड बालको। वाह 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 कंग्रेचुलेशंस चंद्रमुखी जी, क्या केस लड़ा था आपने जिमी जावास का? हाँ बस अभी अभी केस की फाइल पढ़ के आ रहा हूँ। एक बात कहूँ मैं आपसे चंद्रमुखी जी, वो बड़ा ही लकी होगा जो आपसे शादी करने के लिए आएगा चढ़ के घोड़ी। सर हाँ? इस शेरनी की तो किसी शेर से ही बनेगी जोड़ी।